गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं बेटा? हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 कुछ काम करो कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसके शब्दार्थ भी हमने कर लिए, रचनाकार मैथिली शरण जी गुप्त के बारे में भी हमने पढ़ा और मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब आज बेटा हम लिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो लिखित प्रश्नों के उत्तर बेटा आपको बुक में ही लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में आपको केवल मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो का प्रश्न है, जग में जहाँ मैं बोल रही हूँ ना, आपको पॉइंट आउट करना है पेज नंबर 44 पर, पेंसिल से पॉइंट आउट करेंगे आप। जग में रहकर हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, जग में रहकर हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे काम करके अपना, अपने परिवार का तथा देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। अब आ जाइए पेज नंबर 45 पर, ठीक है? पेज नंबर 45 पर बेटा खा प्रश्न है, कवि ने तन के बारे में क्या कहा? तन माने शरीर। कवि ने तन के बारे में कहा है कि हमें अपने शरीर को सही काम में लगाना चाहिए। और ग प्रश्न है, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? इसका उत्तर है, ईश्वर ने हमें सभी ज़रूरत की वस्तुएं दी हैं तथा उन्हें बनाया भी है। और तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा, कविता की पंक्तियों में कुछ शब्द छूट गए हैं तो उन शब्दों को खाली स्थान में लिखिए और ये पंक्तियां पूरी करेंगे कविता की, है ना? क वाला है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना? ये पहली वाली हो गई, समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये चीज़ें हमको ऐसे पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। अब है बेटा जीने की राह। जीने की राह में क्या है? दो चीज़ें हैं, जीने की राह और रचना का संसार। इन सब में से एक चीज़ आपकी पसंद की आपको एक पैराग्राफ विद पिक्चर अपनी कॉपी में बनाना है मौखिक प्रश्नों के उत्तर के बाद। एक अतिरिक्त, एक या दो अतिरिक्त प्रश्न उनके उत्तर, और उसके बाद ये एज ए प्रोजेक्ट वर्क आपको ये काम करना है, सोच के लिखना है, थॉट प्रोसेस है बेटा। यदि हमें जीवन में सफल होना है और आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सोच के आपको लिखना है, हमें जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी, अच्छे अच्छे काम करने होंगे, भलाई का काम करना होगा और घबराना नहीं है हमें जीवन में निराश। जो भी आपको अच्छा लगता है कविता में पढ़ के समझ में आए, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है, परीक्षा में आपको खूब अच्छे अंक लाने हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, मैम जो पढ़ा रही हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, है ना? तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ये आप उसको खुद विचार करके सोच के लिखना है। अब है बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में श्रुतलेख के शब्द हैं, निराश, वांछित, अर्थ प्राप्त, विधान, अलभ्य, जन्म और व्यर्थ। ये 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों को 2 से 3 बार आपको उंगली लगा के पढ़ना है और याद भी करना है, और इसका श्रुतलेख भी आप खुद ही लेंगे, है ना बेटा? मम्मी से बोलना, मम्मी ले देंगी। और उसके बाद है दूसरा वाला प्रश्न, कविता में से संयुक्त अक्षर वाले 4 शब्द चुनकर लिखिए, ठीक है? तो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं बेटा? जहाँ 2 अक्षर जुड़ के 1 अक्षर बनता है उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़वा, जोड़, 2 जुड़े हुए, ठीक है? अब हमने 4 शब्द ढूंढ के लिखे, अर्थ, व्यर्थ, उपयुक्त और अलभ्य, ठीक है? अब पीछे देखिए बेटा, पेज नंबर 46 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 46 पर है, कविता से तुकांतक शब्द चुनकर लिखिए, मतलब राइमिंग वर्ड्स, कविता से मिलते जुलते वाले शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है? तो काम का मिलता जुलता शब्द क्या है बेटा? नाम, है ना? काम का शब्द है नाम, अहो का कहो, और तन का मन, और दान का विधान, ये इसके राइमिंग वर्ड्स हमने लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, प्रश्न 4, समझिए और नए शब्द बनाइए। क वाला है, अ जोड़ करके हमको बनाना है, लभ्य में अ जोड़ दिया तो अलभ्य हो गया, उल्टा उसका विपरीत हो जाता है, ठीक है? सत्य में अ जोड़ दिया, सत्य मैंने सच्चा और असत्य मैंने झूठा, है ना? तो असत्य हो गया। हिंसा में अ जोड़ा तो क्या बना बेटा? अहिंसा। और ख वाला है, उप जोड़ करके हमको नए शब्द बनाने हैं, युक्त मूल शब्द है उसमें हमने उप जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपयुक्त। वन में हमने उप जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? उपवन। और देश में हमने उप जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपदेश।
तो हमने इतना पढ़ा है और समझा है। ये प्रश्न 5 से बेटा अपन कल करेंगे और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, हमने जितना पढ़ा है उसको आप अपनी बुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।